हरियाणा के स्वास्थ्य और खेल मंत्री अनिल विज ने डेरा प्रेमियों से देशद्रोह की धारा हटाने को लेकर कहा कि ये धाराएं सरकार ने नहीं बल्कि कोर्ट ने हटाई हैं। रेवाड़ी के नेहरू पार्क में जमा होकर आशा वर्कर्स प्रदर्शन करती हुई जिला सचिवालय पहुंची और डीसी को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। 22 दिन पूर्व हुए समझौते के बावजूद नोटिफिकेशन जारी न होने से गुस्साई आशा वर्कर्स का कहना है कि अब तक उनकी मांगे नहीं मानी गई हैं, जबकि उनसे बहुत पहले मांगों को पूरा करने का वादा किया गया था। पलवल के लघु सचिवालय में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर्स को 7 महीने से वेतन न मिलने पर जिले के कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने कार्य के दौरान काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर जिले के तमाम कंप्यूटर ऑपरेटर्स 24 फरवरी 2018 को ताऊ देवीलाल पार्क में एक विरोध सभा का आयोजन करेंगे और एक दिन की भूख हड़ताल भी रखेंगे। जींद के एक लव्य स्टेडियम में आयोजित हुई कबड्डी चैंपियनशिप के फाइनल मैच में सर्विसेज की टीम ने रेलवे की टीम को 1 अंक से पराजित कर 1 करोड़ रुपए का नगद इनाम जीता। हरियाणा सहित देश भर के किसान एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने की तैयारी में हैं। अपनी पुरानी मांगों को लेकर किसान 23 फरवरी को दिल्ली घेराव की तैयारी में हैं। गुरुग्राम में अवैध कंस्ट्रक्शन का काम जोरों पर है। वहीं आयुध डिपो के प्रतिबंधित एरिया के 300 मीटर में अवैध कंस्ट्रक्शन धड़ल्ले से जारी है। करनाल में 2 बहनें टूटी सड़क के कारण हादसे का शिकार हो गयी, जिसके बाद पीड़ित बहनों ने सड़कों की मरम्मत की गुहार लगाई है। जमीन के एक विवादित टुकड़े को लेकर यमुनानगर से दिल दहला देने वाली लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। अपने खेतों में काम कर रहे किसान पर बदमाशों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। 3 साल तक लिव इन पार्टनरशिप में रहने के बाद युवक ने शादी से इनकार कर दिया। महिला ने युवक पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। गुरुग्राम में अस्पताल की लापरवाही से 21 वर्षीय युवक की मौत, परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। युवक की मौत के मामले पर परिजनों ने आईएमटी मानेसर चौक पर जाम लगाया। परिजनों ने शव को चौक पर रखकर जाम लगा दिया। तकरीबन आधे घंटे तक रोड जाम रहा।